हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल जो होता है द का प्रयोग या उसे बोले हम दी का प्रयोग आज हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं, जिससे पहले हम लोग ए एन का हम लोग प्रयोग देख चुके हैं, तो आज जो हम लोग देखेंगे यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट का मतलब हो जाता है निश्चित। यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द, एक तो दिमाग में रहना चाहिए कि द जो यूज करेंगे हम किसी नाउन को निश्चित करने के लिए करते हैं। कोई नाउन निश्चित है उसके लिए हम लोग द का प्रयोग करेंगे। किसी नाउन से पहले द का प्रयोग होगा इसका मतलब वह नाउन निश्चित हो जाएगा। देखिए कैसे, यदि किसी नाउन की चर्चा पहली बार होती है, अगर उसकी दोबारा चर्चा होती है तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार एग्जाम में ये दे भी चुका है। देखिए एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। जैसे मैं कहूंगा आई मेट स्पेस है मैन, आई मेट मैन है ना। अब इस मैन की चर्चा फिर दोबारा मैंने कर दी, मैन वॉज ब्लाइंड। अब यहां देखेंगे जब दो दो आर्टिकल यूज करना हो, ए बी ऑप्शन एंड द, शी ऑप्शन द और डी ऑप्शन ए द, तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो ये जाएगा। क्यों जाएगा मैं बता रहा हूं। पहली बार चर्चा हुई है तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप पहली बार मिले हैं तो उस व्यक्ति को आप जानते नहीं है। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। अब दोबारा उसकी चर्चा हो रही है, उसी नाउन की चर्चा हो रही है, इसका मतलब वह आदमी अब फिक्स्ड हो गया, यानी उसे आप जान लिए, यानी आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, द मैन वॉज ब्लाइंड। अब हम करेंगे क्या, जिनको नहीं पता है वो ए वाले पे जाएंगे, ए क्योंकि मैन है ए लगा देंगे, इधर भी मैन है ए लगा देंगे, तो ये कंफ्यूजन होता है। सो कीप इन योर माइंड, द जो होता है किसी नाउन को निश्चित कर देता है, ठीक रूल है। ठीक है, आइए कुछ और रूल्स जानते हैं द का प्रयोग कहां करें। द का प्रयोग रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले करते हैं। रिलीजियस बुक्स आप जानते हैं, रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले करते हैं, ये पहला रूल है। नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं सर, क्यों, क्योंकि उस नाउन को निश्चित कर देना है। धार्मिक किताब जैसे गीता है, गीता हिंदू धर्म की रिलीजियस बुक है, ये द गीता। द कुरान मुस्लिम धर्म की कुरान, द बाइबल, द बाइबल, द रामायण, द महाभारत, ये रिलीजियस बुक्स है और इनके पहले द का प्रयोग आप करेंगे, क्योंकि ये लगता तो प्रॉपर नाउन है। गीता बड़ा से मैंने लिखा है क्योंकि यह किसी बुक का नाम है, लेकिन इनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर कहना है स्पेस इज ए हॉली बुक, पवित्र बुक है, तो यहां देखिए हॉली बुक है, यहां तो ये लगा है, लेकिन यहां पे द का प्रयोग होगा, द गीता इज अ हॉली बुक। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है, रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसी से रिलेटेड एक और रूल है, रिलीजियस कम्युनिटी यानी धार्मिक समुदाय, यानी धार्मिक समुदाय जो होंगे जैसे हिंदू एक धर्म है, के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग हम वहां करते हैं जब रिलीजियस कम्युनिटी हो। ठीक है, जैसे कहना है द हिंदूज, द सिख्स, द ज्यूज, द मुस्लिम्स, तो अगर हिंदूज हैं तो द यूज आप करेंगे, तो इनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है।
आइए देखते हैं एक और बेहतरीन रूप। द का प्रयोग डायरेक्शंस के नाम के पहले किया जाता है। डायरेक्शंस आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शंस, डायरेक्शंस का मतलब हो जाता है दिशाएं। डायरेक्शंस यानी दिशाएं, दिशाओं के नाम के पहले, दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। दिशाओं, ठीक है, के नाम के पहले। अब दिशाओं के नाम क्या है सर? आप देख पाएंगे डायरेक्शंस ऐसे कर देते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। और इससे क्वेश्चन क्या देता है, एग्जाम्पल देख लीजिए। सन, इसमें सन राइजेस इन स्पेस ईस्ट। हम यहां देखेंगे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ए ए दे दे, मान लीजिए बी ऑप्शन में द ए दे दे, एन दे दे, सी ऑप्शन में आपका एन द दे दे, और डी ऑप्शन आपका हो जाए द द। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन जाएगा वो द द जाएगा। देखिए सन जो होता है ना, दुनिया की यूनिक चीज, इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको, दुनिया की जो अनोखी चीज है उसके जैसा कुछ और है ही नहीं, वो अकेली है, अनोखी है। उससे पहले द का प्रयोग करेंगे, जैसे सूर्य, सन, वो अनोखी चीज है, इससे पहले द का प्रयोग करेंगे द सन, चूंकि ये प्रॉपर नाउन लगता है, लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं है, बस इसको दिमाग में रखना है कि यूनिक चीज होगी दुनिया में, उससे पहले द का प्रयोग करेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब यहाँ जो स्पेस आया है वो होगा द। तो इससे क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो द का प्रयोग दिशाओं के नाम के पहले, यहाँ दिशा है ना, इसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब आइए एक और रूल देखते हैं। दुनिया की अनोखी, वर्ल्ड की अनोखी, अब यहां देखेंगे वर्ल्ड की अनोखी चीजों के पहले, अनोखी चीजों के नाम के पहले, नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। अब अनोखी चीज क्या है सर? जो उसके जैसा ना हो, जैसे स्टार्स है, स्टार्स तारे सर। अब तारों जैसा कोई तारा है नहीं। अब ये संसार है द वर्ल्ड। अब संसार के जैसा कोई और संसार है ही नहीं। द अर्थ, द मून, अब मून जैसा कोई मून है ही नहीं। द सन, अब सन के जैसा सन कोई है नहीं। द स्काई, उसके जैसा है नहीं। द ताजमहल, अब ताजमहल जैसा कुछ है ही नहीं। तो याद रखना है, दुनिया की ऐसी चीजें जो अकेली हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उनके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखिए सर, वी लीव स्पेस, स्पेस वर्ल्ड। आप देखेंगे ये जो संसार है, इससे पहले हम द यूज करेंगे, बिलीव इन द वर्ल्ड, हम संसार में रहते हैं। तो याद रखना है, और ये रहा कुछ एग्जांपल्स, यानी दुनिया की अनोखी चीजें उनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। कुछ इसने यूज आपको बताया कि कहाँ कहाँ यूज हम कर सकते हैं द का। नेक्स्ट वीडियो में इससे और भी बेहतर चीजें आपको बताऊंगा, आर्टिकल का प्रयोग, द का प्रयोग मैं जरूर बताऊंगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।